हिल्स लाइफ का प्रिय दर्शक, आज हमारा जो स्टूडियो है यहाँ पे एक ऐसा मेहमान आया जो हम लोग सोच भी नहीं सकता, लेकिन उनका उनका साथ में हम लोग का अभी यहाँ पे काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि रोटरी क्लब ऑफ हाफलॉन्ग हिल्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी काम कर रहा है सोशल अपलिफ्टमेंट का लिए, बहुत कुछ कर रहा है हम लोग, तो इतना खास बहुत आदमी शायद नहीं जानता होगा अभी रोटरी क्लब। तो उनका जरिए से एक ऐसा पर्सनैलिटी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में आज आके पहुँचा, और हम लोग जब उनको अप्रोच किया तो साथ साथ एग्री भी हो गया और हम लोग का छोटा मोटा स्टूडियो में आया, इसलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था हम लोग का हिल्स लाइफ टीवी की तरफ से। तो ये है डॉक्टर लोपामुद्रा, उन्होंने एक मुहिम चलाया कि कैंसर जो है, हम लोग आप सुन के शायद डर गया, जो कैंसर नाम से सभी डर आता है वो बात सच है, लेकिन आज आप लोग को लोपामुद्रा जी एक कैंसर का बारे में इतना सुंदर से बताएगा और कैसे करके बताया, आप लोग जो भी सुनेंगे बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसको इससे यही बीमार से डरना नहीं है, और बहुत काफ़ी चीज़ जो हम लोग नहीं जानता ये आज जानकारी मिलेगा, इसलिए हम लोग डिमासव का तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई देता है। और उनका बारे में हम लोग इतना लंबा चौड़ा है, शायद हम लोग इतना टाइम नहीं मिलेगा उनका बारे में बोलने के लिए, उन्होंने काफ़ी जो है उनका बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को भी जानकारी देगा, तो हम पहले ही उनसे जानने कर लेने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा लोपामुद्रा जी, आप जो ये जो सब्जेक्ट लेके आया और आपका एक उद्देश्य जरूर होगा क्यों ऐसा कर रहे हैं कैसे, तो ये शुरुआत आपको कैसे हुआ और आप कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है? थैंक यू, फर्स्ट थैंक यू आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके स्टूडियो में, एंड मैं एक्चुअली पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ मिसेस वंदना थॉसन को, जो फेसबुक में मुझे कांटेक्ट किए थे, ऐसे अप्रिशिएट किए थे कि मेरा काम, तो मैंने जब देखा हाफ लॉन्ग तो मैंने देखा कि फिर मैंने उनसे नंबर पूछा, तो व्हाट्सएप में हमने कम्युनिकेट किया, तो मेरा बहुत मन था हाफ लॉन्ग में आने का, क्योंकि लास्ट ईयर में नहीं आ पाई थी, मतलब किसी से कांटेक्ट नहीं हुई, थ्रू नेटवर्क ही कर सकते हो, एंड आई एम सो थैंकफुल टू मिसेस वंदना थॉसन कि उनके रोटरी क्लब, उनके कारण आई एम थैंकफुल टू संचिता, यू नो सेक्रेटरी ऑफ रोटरी क्लब, एंड इवन जो रोटर एक्ट में एक यंग लड़का, उनका नाम बहुत डिफिकल्ट है, तो तो मैं सबसे एक्चुअली थैंक यू आपको, क्योंकि आपके कारण मैं सबसे रीच आउट कर पाऊंगी, वही मेरा उद्देश्य है। तो कैसे स्टार्ट हुआ, बेसिकली मैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना शार्लेट में थी टिल 2017 में, ब्रेस्ट और पैनक्रेटिक कैंसर के ऊपर बहुत रिसर्च किया मैंने, मेंटरिंग किया स्टूडेंट्स, और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थी, लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा बॉदर करती थी कि US में सर्वाइवल, जो कि बचने का प्रतिशत विद ब्रेस्ट कैंसर 90%, 85%, लेकिन इंडिया में इतना कम क्यों? और जब हम लोग जाना चाहते एकदम ग्रास रूट लेवल पे, तो मुझे एक जस्ट सिंपल सा स्टोरी ये है कि बचपन में मेरे एक फ्रेंड की माँ की डेथ हो गई थी, जब मैं फ्यूनरल में गई तो उन्हीं के फ्रेंड ने बताया कि वो बात बताने के लिए कि कैंसर हुआ था, उससे डेथ हुई, वो भी एक कर्ज था, मतलब झिझक थी। फिर उसके बाद मैंने पूछा कहाँ पे कैंसर हुआ, जब उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर, मैंने पूछा ब्रेस्ट कैंसर, उन्होंने मुझे चुप करा दिया, तो वो एक इम्पैक्ट था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर बाद में भी ऑन्कोलॉजिस्ट जिनसे भी मैं मिलती थी, सब लोग मुझे बताते थे कि लास्ट में आते हैं पेशेंट्स, तो वो मेरे दिमाग में हमेशा था, जिस कारण मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए, और हम लोग जा के लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग कभी आएंगे नहीं, क्योंकि इंडिया में सीन ये है कि US में है कि स्क्रीनिंग होता है ब्रेस्ट कैंसर का, इंडिया में वो कंसेप्ट आया नहीं है, जब भी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन होता नहीं है, जैसे मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, स्क्रीनिंग के लिए, तो इस कारण। बट लेकिन एक बहुत ही इजी सोल्यूशन है जो मैं लेके आई हूँ, विच इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम, लेकिन तो ये सोच के ही मैंने रिज़ाइन किया, और मैं अभी हर जगह जाती हूँ, और लास्ट ईयर मैंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत कवर किया था, अपर असम एंड ऑल, लेकिन हाफ लॉन्ग मेरा एक था दिमाग में कि सॉफ्ट कॉर्नर भी था, स्पेशल और सॉफ्ट कॉर्नर और स्पेशल कुछ सिलचर मेरा होम टाउन है, सिलचर से 4 घंटे में इधर नहीं आऊँगी, ऐसे कैसे हो सकता है, सो बिकॉज ऑफ मिसेस वंदना आई एम हियर।
तो आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप तो थोड़ा बहुत बोला है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम कर रहे हैं। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रेस्ट कैंसर हब। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा विजन है उसका सेव लाइव्स वाया वॉलंटियरिंग, एडुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च। ये चार चीज़ें, एवरीवन इज़ अ वॉलंटियर हियर, सेल्फलेस पीपल है सब, क्योंकि जिनको करना है वो पैसे के लिए नहीं करेंगे, तभी हम एक साथ आएंगे। तो फिर और क्यों कर रही हूँ मैं, अवेयरनेस के बिना अर्ली डिटेक्शन मेरा गोल है कि इंडिया में फाइनली मेरा गोल है कि पाँच साल में या 10 साल में US में जैसे 90% सर्वाइवल है, इंडिया में भी वो होना चाहिए। तो वही विजन लेके मैं चल रही हूँ, जगह जगह जाके मैं ये बताती हूँ कैसे अर्ली डिटेक्शन वही की होता है। लेट डिटेक्शन कैंसर में बहुत बाद में वो फिर से लाइफ सेव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना सारा कीमोथेरेपी, रेडिएशन, वो सब की ज़रूरत ही नहीं होगा अगर आप पहले अपने आप को डिटेक्ट कर लो विद कैंसर। और कैंसर जस्ट एक डिजीज़ है, वो भी और एक चीज़ में कोशिश कर रही हूँ सबके दिमाग में बिठाने में कि डरो नहीं कैंसर से, 100% क्यूरेबल है, दैट इज़ वन थिंग। और रिसर्च में भी मैं हेल्प कर रही हूँ, कोलाबोरेट कर रही हूँ बाकी एनजीओ से, डॉक्टर्स के साथ, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, ताकि इंडिया का जो मैं उधर कर रही थी, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, वही रिसर्च में भी, क्योंकि रिसर्च अगर स्ट्रांग नहीं होगा, कहाँ पे डेटा है कि कितना परसेंटेज इंडिया में डेथ रेट है, डेटा बहुत कम है। तो वही सब पब्लिश करना, एक साथ मिल के काम करना, वही मेरा गोल है। और कोलैबोरेशन के साथ, जैसे अभी रोटरी क्लब के साथ कोलैबोरेट किया मैं, मतलब वो लोग फिर आगे लेके जाएंगे ये बात। तो वही मेरा गोल है, रिपल इफेक्ट, जहाँ भी मैं जाती हूँ वो लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि ऐसे करके अगर, मतलब मेरा पूरा 100% मैं श्योर हूँ कि लोगों को जब पता चलेगा, क्योंकि दो चीज़ है, एक है टैबू, लोग बता, वीमेन दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वो बहुत शर्मा जाते हैं क्योंकि ये ब्रेस्ट में है। तो वही मेरा गोल था ब्रेस्ट कैंसर हब में, ग्रास रूट लेवल में लोगों की माइंडसेट चेंज करना, क्योंकि जब एक बच्चा का जन्म होता है उस टाइम पूरा फैमिली ब्रेस्ट मिल्क खिलाओ, ब्रेस्ट मिल्क पिलाओ, खिलाओ नहीं सॉरी पिलाओ, तो वो इम्यूनिटी देता है, लाइफ लॉन्ग गिफ्ट। वही प्रॉब्लम ब्रेस्ट में अगर एक लंप माँ फील करती है, फिर एक माँ इतना क्यों शर्माती है बात करने में। तो वही मेरा गोल है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, मेमोग्राम, ये तो बाद में आता है, पहले तो शर्माना बंद करो और परिवार को बताओ। और दूसरी बात जो मैंने नोटिस किया, मैं हर जगह जगह जाके देखती हूँ, बहुत सारे सर्वाइवर्स या जिनकी डेथ भी हुई है, इस कारण हुआ है, जब मैं उनसे, मतलब डेथ होने से पहले मिली, उन्होंने बताया कि किसी ने उनको बताया नहीं कि एक लंप ब्रेस्ट में भी कैंसर हो सकता है, इसलिए वो शर्मा गए। क्योंकि अगर उनको पता होता कि पेनलेस, मतलब पेनलेस या पेनफुल, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एक पेनलेस लंप अगर कैंसर है, अगर एक माँ को पता चले, तो वो माँ चुप क्यों रहेगी। तो उनको ये बताने का जिम्मेदारी हम सब की है। तो वही मेरा गोल है, विजन है। तो बहुत अच्छा है इस लाइफ का प्रियदर्शक, आपने सुंदर से समझ रहा है, जो हम लोग का ये जो बीमार है, ये बीमार इतना बड़ा, हम लोग पैनिक ही नहीं होना, डरना नहीं है, इनका बारे में और खुलासा करेंगे उन्होंने, ताकि हम लोग का कैंसर बोलने से ही एक डर सा बैठ जाता है। तो हम लोग ये बीमार में, आपने बोला सर्वाइवल बहुत अच्छा है जो अर्ली डिटेक्शन होगा, तो अब ये बात अभी तक किसी का दिमाग में शायद नहीं हो रहा है। और हमारा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इसमें आज तक हम तो 30 इयर्स हो गया हमारा जर्नलिज्म, लेकिन एक कैंसर का ऊपर में हमने देखा नहीं, कोई डेटा है व कुछ क्योंकि नहीं है। वो बात सच है, जो हम लोग का टाबूज है और हम लोग शर्माते हैं। और एक चीज़ करता है, कार्ड्स बोल के भी लेता है ये बीमार को, कार्ड्स जैसे सोचता है, इवन मतलब अनटचेबल जो ऐसा तो हो जाता है। तो ये सब जो चैलेंजेस हमारा लिए, आपका लिए तो काफी सारा चैलेंजेस है, सारा। तो ये सब चैलेंज आप पार करने के लिए कैसे करेंगे और कैसे कैसे आप जा रहे हैं? जरूर आप, जैसे हमने आपको बात से पता चला जो आप काफी आगे बढ़ गया, तो आप ये चैलेंजेस कैसे मुकाबला करके जा रहे हैं? तो मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ आपको, ये जो लेडी है ना पूर्णिमा, हाँ, इनको स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर था लास्ट ईयर, अभी शायद वो रहे भी नहीं। तो मैं जब उनके घर गई थी,
मैं मुझे जब पता चला मैं जगह जगह जाके लोगों की इंटरव्यू लेती हूँ लोकल लैंग्वेज में ताकि रियल पिक्चर पता चले सबको. मैं जब उनके घर गई वो माटी पे लेटी हुई थी. जब मैंने पूछा उनकी फैमिली को कि उनको क्या हुआ है मतलब उनको क्या मुझे पता मतलब वो नीचे क्यों पड़ी हुई है लोगों ने बताया कि कैंसर कंटाजियस है. मतलब उनको लगा कि उनकी उनसे बाकी लोगों को भी हो जाएगा. ये बिल्कुल गलत है. एक कैंसर मुझे अगर हुआ छूने से आपको नहीं होगा. अगर आप उसको बाहर नहीं निकाले पूरे बॉडी में फैल जाएगा लेकिन मुझसे किसी और को नहीं होगा. एक कैंसर पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है. बिना प्यार के जो स्ट्रेंथ पॉजिटिविटी जो हिम्मत वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है तभी सारा ट्रीटमेंट भी काम करेगा. अगर पहले से हम सोचें कि मुझे कैंसर हुआ है वो कीमो तो काम ही नहीं करेगा तो तभी डेथ हो गया. हाँ और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ जैसे पूर्णिमा के साथ सेम हुआ. उनका ट्रीटमेंट हो रहा था सिलचर मेडिकल कॉलेज में या कहीं पे फ्री में हो रहा था ट्रीटमेंट. लेकिन पता है उन्होंने क्या किया उनके परिवार को पहले रखा क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं कि कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट बंद करने से मतलब कैंसर वापस आ सकता है. उनको लगा वो टी गार्डन में काम करती है उनका बेटा का फीस जमा करना था स्कूल में तो उनका हस्बैंड कहीं पिक्चर में नहीं ये ड्रिंक करके हमेशा वो रहते थे. फिर उन्होंने क्या किया सोचा कि मैं तो अभी अच्छा फील कर रही हूँ. जब कीमो होता है ना तो आपको अच्छा फील करना स्टार्ट कर दोगे तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया. लेकिन एक दिन वेस्ट हो जाएगा कीमो का वो लेने के लिए इसलिए वो गए नहीं. और इससे क्या हुआ उन्होंने वो पैसा से बेटा का टेंथ का एग्ज़ाम का फीस तो भर दिया. बेटा पास भी हो गया लेकिन कैंसर उनका फैल गया पूरा. तो मैं क्यों बता रही हूँ बहुत सारे एडुकेटेड वीमेन भी मैन भी आए मेरे पास आके मुझे बताया कि मेरा कीमो ख़त्म करना ज़रूरी है क्या मेरा ये सब ट्रीटमेंट ज़रूरी मैं कुछ दूसरा ट्रीटमेंट कर सकती हूँ क्या. बिल्कुल नहीं. होम्योपैथी आयुर्वेदा कुछ काम नहीं करेगा. आपको मेन है जड़ कैंसर को निकालना है बॉडी से. सर्जरी कीमोथेरेपी रेडिएशन पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म करेंगे ना तो 100% क्योर हो जाएंगे आप. लेकिन आप अगर ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं करेंगे कैंसर वो वापस आएगा. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबको जानने में. कैंसर कर्स नहीं है. ये सबको अभी तो 8 महिला में 1 को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. और आपको पता है कर्स कौन बोलेगा लड़कों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. आज तो ये बात एकदम पूरा नया बात सुनाया आपने. बहुत सारा आदमी ये माना भी है जो बाप रे बाप ये तो किसी को पता नहीं चला किसलिए नहीं चला किसलिए नहीं चला. अब देखो ये ब्रेस्ट अब लड़कियों को वीमेन को क्यों शर्माना लड़कों को भी होता है. लड़कों नहीं, ये तो और क्या नहीं उसमें क्या है अरे इतना इम्पोर्टेंस है वो आप बोल ही रहे जो ह्यूमन ब्रेस्ट फीडिंग आजकल ये तो हो रहा है इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस तो ये कैसे ये हो सकता है. हाँ, तो जमाना ही नहीं है तो फिर लड़कों को भी हो सकता है और लड़के ज्यादा शर्माते हैं. ये थोड़ा सा डिटेल्स में आप बताइएगा जो ये कैसे हो रहा है. लड़के ज्यादा शर्माते हैं तो क्या होता है आप ये जो देख रहे हो ना मेरी फ्रेंड पैट्रिशिया उनके हस्बैंड ठीक है उनका पिक्चर गाड़ी में ऐसे पैट्रिशिया ने किया है. उन वो एक स्कूल प्रिंसिपल थे US में. उनकी बेटी के लिए वो ब्रेस्ट कैंसर फाइट कर रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था उनको भी था ब्रेस्ट कैंसर. जब डायग्नोसिस हुआ 5 में वो चले गए क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं था उनकी बेटी बच गई. मतलब ये तो है ही नहीं फैमिली. हाँ तो मैं क्या बता रही हूँ एक परिवार में अगर माँ को बहन को या किसी नानी को किसी को भी ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उस घर के लड़कों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए. उनको ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है नहीं तो प्रोस्टेट कैंसर डाइजेस्टिव ट्रैक कैंसर स्किन कैंसर भी हो सकता है. अच्छा। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. अच्छा लोपामुद्रा जी हम लोग ये इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बात करेंगे इसके पहले हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ठीक है श्योर श्योर थैंक यू. Thank you.
तो हिज लाइफ का प्रिय दर्शक, हम लोग फिर से आए और हम लोग फिर से वो बातचीत जारी रखेंगे। और आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया होगा जो आज का जो नया हम लोग के लिए नया ही हुआ, एक खबर एक मिला जो लड़का लोग का भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो इसके बारे में लोपामुद्रा जी आप लोगों को एकदम सुंदर से डिटेल से बताएगा कैसे कैसे सब होता है बाहर का देश में भी और हम लोग का देश में भी। तो लोपामुद्रा जी आप लोग, आप तो हम लोग बातचीत चला रहा लड़का लोग का भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, आज ये इन्फॉर्मेशन हम लोग के लिए बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़ा उस डिटेल्स में बताइए जो ये क्या है और उससे हम लोग छुटकारा मिलने के लिए उससे आगे हम लोग प्रिकॉशनरी मेन तो प्रिकॉशनरी लेना है, अर्ली डिटेक्शन अगर हो तभी। थैंक यू सो मच। तो मैंने तो आपको मार्लिन वाशबर्न के बारे में अभी ब्रेक से पहले बताया था, तो मैं इनके बारे में बता रही हूँ। ब्रेट मिलर मेल ब्रेस्ट कैंसर कोएलिशन के फाउंडर, तो हम लोग विद ब्रेस्ट कैंसर हब मेरा वो है, मैं कोलाबरेट करती हूँ सबसे ताकि उनके बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली उनका जो वेबसाइट है कोई भी उधर भी जा सकते हैं, वो लोग ब्रेस्ट कैंसर इन मैन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो फिर उनको ब्रेट मिलर को जब वो 18 ईयर्स के थे तब उन्होंने फील किया, इतना पहले सोचो आप। फिर और इधर जो आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा पिक्चर है लेकिन इनका नाम है सैम रवियारा, वो जब 17 ईयर्स के थे, निपल के नीचे, लड़कों का ज़्यादातर निपल के नीचे ये सब में फील होता है। और फिर उन्होंने जब फील किया मैस्टेक्टोमी मतलब पहले मैमोग्राम किया, फिर मैस्टेक्टोमी मतलब वो ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया, सर्जरी हुआ, 100% क्योर्ड हो गए। लेकिन 47 ईयर्स लगा उनको सबको बताने में कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उनकी 3 बार शादी हुई, फर्स्ट वाइफ सेकेंड वाइफ सब कैंसर में डेथ हुआ, लेकिन उन्होंने उनकी वाइफ को नहीं बताया। क्या बताया पता है, वो आर्मी में काम कर रहे थे तो उन्होंने बताया बुलेट स्ट्राइक हुआ और फिर सर्जरी हुआ, उस कारण उनका मैस्टेक्टोमी का वो जो स्कार है। तो सोचो आप US में ये सिचुएशन है, तो इंडिया में क्या होगा। तो इंडिया में इवन नेपाल से एक लड़का मुझे कॉन्टेक्ट किया, तो उसके सीनियर इन द स्कूल उन्होंने सुइसाइड कर दिया क्योंकि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और सब बाकी लोग शायद मतलब बिकॉज उनको लगता है कि लड़कियों का बीमारी है, इससे वो निकाल के नहीं आ पाते। इसलिए ये शर्माने की लड़कों को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लड़की लड़के सबको हो सकता है, ये बस एक दूसरा ऑर्गन है, ब्रेस्ट जस्ट एक ऑर्गन है बस वही। ये सब आप देख रहे हैं ना, सब ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर या पेशेंट है। पता है इंडिया में मैं जब डॉक्टर्स से मिलती हूँ, कितने डॉक्टर्स ने मुझे बताया उनको मिला ब्रेस्ट कैंसर इन मैन लेकिन लास्ट स्टेज में इंडिया में। हाँ, इंडिया में मतलब डेथ बहुत मतलब 99% डेथ बेड में आते हैं वो लोग जब फैल गया, क्योंकि लड़कों को पता ही नहीं होता था ना कि निपल के नीचे या ब्रेस्ट में वो कैंसर है। मेरे दुख की बात ये है, आई गेट वेरी सैड बिकॉज डेटा कहाँ है। हाँ, वही डेटा कहाँ है, तो उसी में भी हम लोग जोर दे रहे हैं। तो इसलिए लड़कों को भी मेरी विनती है, क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है, तो मैं अभी सोल्यूशन बताऊंगी कि जैसे जब मैंने ब्रेस्ट कैंसर हब स्टार्ट किया तब मैंने सोचा अगर मैं गांव-गांव जाके नहीं तो शहर शहर जाके सबको बताती हूँ कि आप 40+ हो गए, आप मैमोग्राम कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, जो कि प्रोटोकॉल है, कोई नहीं करेगा। US में अंडर 40 डॉक्टर्स क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम करते हैं, इंडिया में वो भी सोसाइटल टैबू है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स उधर करते हैं, मैं क्या की उधर के ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलके ये प्रोटोकॉल डेवलप किया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम, एक साइड में लड़की के लिए और ब्लू लड़कों के लिए। आप अपना लाइफ खुद बचा सकते हो, इसमें टैबू शर्माना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घर पे खुद अपना एग्जामिन कर सकते हो, लड़के भी लड़की भी, फ्रॉम द एज ऑफ 18 या 17 सबको करना चाहिए एवरी मंथ। तो मैं आप बताऊंगी कि क्या कैसे करना चाहिए, एक्चुअल राइट ऑथेंटिक प्रोटोकॉल जो लड़कियों के लिए मैं बता रही हूँ जो कि यंग लड़कियाँ हैं। 7th day पोस्ट 7th day जैसे पीरियड स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 7 day आफ्टर पीरियड आपको चेक करना चाहिए अपने ब्रेस्ट लड़कों के लिए। एंड दोस वीमेन जिनका मतलब मेनोपॉज हो गया, आप एक डेट फिक्स कर लीजिए, जैसे आज 23rd July आज ही आप स्टार्ट कर दीजिए। आज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ कैसे करना होगा, मिरर के सामने आप खड़े रहिए, खड़े रह के
साइंस एंड सिम्टम्स, कोई भी निप्पल से, ये लड़की के लिए भी लड़कों के लिए भी, निप्पल से कोई भी डिस्चार्ज, जैसे वाइट, नहीं तो लिक्विड, नहीं तो ब्लड, फिर कोई भी डिस्चार्ज होगा, प्लीज़ आप केयरफुल हो जाइए. इन्वर्टेड निप्पल, निप्पल अंदर तक हाँ चला जाता है. फिर ऑरेंज होता है ना, कमला, ऑरेंज के स्किन जैसा, निप्पल के आसपास खशखश रफ हो जा रहा है, नहीं तो पिटेड, काला 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 डॉटेड हो रहा है, नहीं तो रेडनेस, लाल लाल हो रहा है, नहीं तो कुछ भी बॉयल हुआ है, ये सब साइंस एंड सिम्टम्स हैं. फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप खड़े होके नहीं तो बैठ के एंड और लेट के स्लीपिंग पोजिशन में आप अपना जैसे राइट हैंड सर के पीछे लोगे, और दिस पिक्चर में सब डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जिनको पढ़ना भी नहीं आता है उनको भी पिक्चर देख के पता चल जाएगा. और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, 9 इंडियन लैंग्वेजेस में हमने ये बनाया. और किसने हेल्प किया? मेरे नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब लोग आगे बढ़ के आए. यही बोलते हैं ना, जब कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में. तो लास्ट ईयर जब मैंने बोला मैं इंडिया जा रही हूँ, इंडिया में मुझे ये लेके जाना है, अगर मैं इंग्लिश लेके गांव-गांव में जा रही हूँ जहाँ पे बंगाली, एसमीज, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम लोग, वो लोग समझेंगे नहीं ना. तो इसलिए ये सारे लैंग्वेज, बंगाली, एसमीज, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नाडा और अभी उड़िया भी बन रहा है, सारे लैंग्वेजेस में मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प किया, उनके नेटवर्क ने ग्रुप फन परफॉर्म किया, प्रूफ रीडिंग किया, सब लोग किसी ने भी मतलब सेल्फलेसली. फिर हमने बना लिया वो सारा मटेरियल. फिर अभी जैसे फिर ये तो मैं जस्ट बताना चाहती थी कि कितने लोगों के कंट्रीब्यूशन है इसमें, मतलब सारे लैंग्वेज बनाने में. फिर क्या करना चाहिए, जो मैं नेक्स्ट फिर से आ रही हूँ, तो आप अपना हाथ लोगे पीछे लोगे सर के, और 3 फिंगर्स, इन 3 फिंगर्स से कॉलर बोन, इधर जो एक बोन होता है ना हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, कॉलर बोन से स्टार्ट करके अंडर आर्म, इधर जो अंडर आर्म में है उसमें लिम्फ नोड्स होता है, इधर पूरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेस्ट को जांच करनी है, पूरा सराउंडिंग लेके बीच तक, यू नो चेस्ट के बीच तक, पूरा ब्रेस्ट को ऐसे करके प्रेशर दे 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 के 15 मिनट्स तक माइन्यूटली आप चेक करो, सीट इन द सिटिंग पोजिशन, स्टैंडिंग पोजिशन, नहीं तो लेट के. उसके बाद आप इफ़ यू फील समथिंग, अगर आपको कुछ लग रहा है कि हार्ड, मार्बल, मार्बल जैसा हार्ड, नहीं तो मस्टर्ड सीड्स जैसा, ऐसे 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 दाना दाना लग रहा है, डोंट पैनिक, चिंता नहीं करो. नेक्स्ट मंथ, इसलिए मैं बोल रही हूँ, सेकेंड मंथ में फिर से चेक करो, 90% वो चला जाएगा. अगर 10% वो फिर भी है, उस टाइम आप शर्माओ नहीं, टैबू ब्रेक करो, घर में सबको बताओ और फिर डॉक्टर के पास जाओ. डॉक्टर के पास जाने के बाद लड़के के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, लड़का थोड़ा केयरफुल रहिए, निप्पल के नीचे ज़्यादा होता है, सो प्लीज़ केयरफुल रहिए. फिर आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को बताओ कि मुझे एक मैमोग्राम कराओ, नहीं तो अल्ट्रासाउंड. मैमोग्राम क्या होता है? एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट. मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर डॉक्टर बोलते हैं आपको कि आप बहुत यंग हो, 25 ईयर्स हो, 26 ईयर्स हो, क्योंकि मैंने इंसिडेंट्स देखा हुआ है, मैंने इंटरव्यू भी लिया है उनका, डॉक्टर बोलते हैं तुम ये कुछ नहीं है वापस, लेकिन आप अपने शरीर का आप खुद एडवोकेट हो जी. आपको स्पीकअप करना होगा, डॉक्टर को बोलना होगा नहीं मुझे सल्यूशन डायग्नोसिस चाहिए, मुझे प्लीज़ आप एक मैमोग्राम करा दो. अगर मैमोग्राम के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ, फिर मैमोग्राम करने के बाद आप डॉक्टर से पूछो मुझे डेंस ब्रेस्ट है कि नहीं. वही मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ में बताना चाहती हूँ, US में जो 10-15% डेथ रेट है वो इस कारण है कि मैमोग्राम भी ट्यूमर कैंसर मिस कर सकता है. ये इंडिया में भी 99% जगह में पता नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. और मैं ये आपको एक चीज़ दिखाऊंगी इन सिंपल वे, मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या है मैमोग्राम. जो होता है वो एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट. जब हमारा जैसे यूजुअली हमारा ब्रेस्ट का टिश्यू जो होता है वो फैटी टिश्यू होता है, जब फैटी टिश्यू होता है, फैटी ब्रेस्ट, तो वो ब्लैक बैकग्राउंड दिखाता है इन द एक्सरे. लेकिन जब ट्यूमर होता है वो वाइट डॉट जैसा दिखता है. लेकिन
हमारा इंडियन वोमेन 60% हमको डेंस ब्रेस्ट होता है. मतलब क्या है? फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. जब डेंस ब्रेस्ट होता है एक्सरे में, मेमोग्राम में, ये वाइट पैचेस करके आता है. किसी को अगर थोड़ा डेंस ब्रेस्ट है तो ऐसा आएगा. किसी को स्कैटर्ड डेंस ब्रेस्ट है, हेटेरोजिनस, तो वैसे करके आएगा. जिसको फुल डेंस ब्रेस्ट है पूरा वाइट आएगा. आप सोचो अगर एक ट्यूमर आपका इधर हो गया, आप अगर लकी हो गए इधर हो गया तो वो मेमोग्राम में कैप्चर हो जाएगा. अगर इधर हुआ, नहीं तो इधर हुआ वो मिस हो जाता है. इसलिए अभी यूएस में 90% मतलब हम लोगों को 3D मेमोग्राम करना पड़ता है. और मैं एक लेडी की पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, मैं शायद इधर नहीं लाई. मतलब डॉक्टर नैन्सी कैपेलो बोल के, उनके कारण अभी यूएस में, मतलब उनका भी मेमोग्राम ने ट्यूमर मिस किया था. और उनके कारण अभी यूएस में 36 स्टेट्स ने लॉ पास किया कि हमारा जब रिपोर्ट आता है हमको पता चलता है कि हमको डेंस ब्रेस्ट है कि नहीं. अगर डॉक्टर को जब आप पूछोगे कि आपको पूछना होगा ही आपको कि मुझे, क्योंकि इंडिया में बहुत जन ने मुझे बताया उनका मेमोग्राम ट्यूमर मिस किया फिर लास्ट स्टेज में उनको पकड़ में आया, तो इसलिए आप पूछोगे डॉक्टर को. अगर डॉक्टर बताते हैं आपको डेंस ब्रेस्ट है, आप क्या करोगे? डॉक्टर को बोलोगे मुझे एक अल्ट्रासाउंड कराओ, नहीं तो सोनोग्राफी. 100% आपको बताना ही होगा. नहीं तो इंडिया में एक चीज़ अच्छा है कि बहुत सारी जगह पे मेमोग्राम मशीन है ही नहीं, नहीं तो ख़राब है. तो ऐसे करने से डायरेक्टली सोनोग्राम अल्ट्रासाउंड ही करा लो आप, वो भी ठीक है. लेकिन अगर आपको पता चलना, मेमोग्राम में ऑल डिटेल स्ट्रक्चर मिल जाता है ना, वो थोड़ा अच्छा होता है. लेकिन अगर आपने मेमोग्राम कराया, आपको डेंस ब्रेस्ट है, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड ही बोलना डॉक्टर को. उसमें एक फ़ायदा भी है, मेमोग्राम रेडिएशन होता है, लो आयोडाइजिंग रेडिएशन. तो क्या होता है, ब्रेस्ट में कंटिन्यूसली अगर एवरी ईयर आप मेमोग्राम कराओगे, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन के लिए भी आजकल बहुत रिसर्च हो रहा है. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसी के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. तो इसलिए अल्ट्रासाउंड इज़ अ बेटर ऑप्शन. तो वो एक चीज़ मैंने प्रोटोकॉल बताया. अगर अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर देखते हैं कि नहीं वो सच में वो लंप, मतलब फर्दर डायग्नोसिस की ज़रूरत है, डॉक्टर आपको बायोप्सी के लिए बोलेंगे, फिर कन्फर्मेटरी रिपोर्ट आएगा. लेकिन अगर वो आप अगर स्टेज ज़ीरो, स्टेज वन में आपको पकड़ में आ गया, आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ मैस्टेक्टोमी, नहीं तो लम्पेक्टोमी, लम्प निकाल लेंगे, नहीं तो ब्रेस्ट रिमूव करके, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन भी होता है, तो रिमूव करके आपको कीमोथेरेपी रेडिएशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अच्छा. जैसे अभी मेरा वेबसाइट में इंटरव्यूज़ में सितंबर में पोस्ट करूँगी, मैं मिली एक लेडी से 70 इयर्स जब वो थे, अभी वो 78 इयर्स के हैं. मुंबई में मैं मिली, तमिलियन है वो. तो उनका ऐसे सेम, उन्होंने फील किया, अर्ली स्टेज वन में डिटेक्शन हुआ, मैस्टेक्टोमी मतलब ब्रेस्ट रिमूव किया, दैट्स इट, कीमो रेडिएशन कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा. सेम वे में कितने लेडीज़ मुझे बताए, यूएस में भी एक लेडी ने मुझे बताया, उनका भी सेम हुआ, मेमोग्राम ने डायग्नोसिस करा दिया, बस स्टेज ज़ीरो में पकड़ लिए, कुछ ज़रूरत नहीं. वही मैं सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जितना आप लेट करोगे उतना साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी, रेडिएशन कीमोथेरेपी. लेकिन आप अगर एवरी मंथ चेक करोगे, जैसे ये जो लड़की है ना 25 ईयर्स की है सिर्फ, जेसिका, इतनी छोटी उम्र में उसको ब्रेस्ट कैंसर एग्रेसिव टाइप का है. ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का होगा, डिफरेंट ग्रेड होता है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर. उसका एग्रेसिव टाइप का है, ग्रेड थ्री. तो उनका पिक्चर में क्यों दिखा रही हूँ, उनका स्पिरिट देखो. लास्ट मंथ, और उन्होंने भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम किया, जो मैं ये बताई ना उसी से उन्होंने अपना डायग्नोसिस किया. फिर उनका क्या हुआ, उनका कीमो चल रहा था, 6 कीमो उन्होंने फिंगर से ऐसे किया. उनका शादी का डेट था लास्ट मंथ, उसी दिन शादी भी किया. तो इसका मतलब क्या होता है, कैंसर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज़ द बिगिनिंग. ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्होंने अपनी नया लाइफ भी स्टार्ट किया, क्योंकि उनको पता है वो 100% क्योर्ड होंगे. हम लोग सोचते हैं बच्चे नहीं होंगे, वो भी गलत. ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद डॉक्टर्स को पता होता है कि उनकी बेबी नहीं हुई है, अकॉर्डिंगली वो लोग ट्रीटमेंट करेंगे. अच्छा. फिर 2 साल बाद, ट्रीटमेंट ख़त्म करने के 2 या 3 साल बाद आप कंसीव कर सकते हो. कितने लोग ऐसा मैंने देखा, शादी इंडिया में तोड़ दिए, बेचारे उनको
मतलब जब शादी का डेट था ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ फैमिली इन लॉज के जो होने वाले थे तोड़ दिया शादी बोले कि उनके बच्चे नहीं होंगे अब इनका एग्जांपल देखकर ही आपको पता चल गया उनकी मम्मी ने मतलब अच्छी तरह से मैं जानती हूँ उनको तो आप सोचो मतलब वही डिफरेंस है मेंटेलिटी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक चीज़ में आपको और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरी फ्रेंड है क्रिस्टीन वो भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम से अपना डायग्नोसिस किया और उनके जो बच्चे हैं हम लोग बच्चों को कुछ बताते नहीं है प्लीज़ ट्रांसपेरेंटली सबको बताओ फैमिली शेयर करो उनके बच्चों का टी शर्ट स्ट्रांग लाइक मॉम वो बच्चे आके मम्मी को उसने मुझे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि बच्चे आके मुझे जब बोले मम्मा आपको फाइट करना है हमारे लिए उसी कारण वो स्पिरिट से उसने फाइट किया आज 100% कैंसर फ्री ये जो मेरी फ्रेंड है वो भी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है उन्होंने अपना डायग्नोसिस किया वो पायलट है और फिर वो अभी 100% कैंसर फ्री मैं लास्ट मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ हमारा ब्रेस्ट कैंसर हब में मैंने ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप क्रिएट किया वो सपोर्ट ग्रुप कितना स्ट्रांग होता है जैसे उस सपोर्ट ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स जो अमेरिका के हैं वो भी है मेरे फ्रेंड मतलब मैं जो इंडिया में जितने सर्वाइवर्स पेशेंट से मिली हूँ वो लोग भी हैं ये उन्होंने मुझे परमिशन दिया इसलिए मैं आपको फ़ोटो दिखा पा रही हूँ डिफरेंट टाइप के कैंसर अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है एनी टाइप प्लीज़ हमें रीच आउट करो वो दिस इज़ अ सपोर्ट ग्रुप हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं मतलब जो सर्वाइवर है वो दूसरों को हिम्मत देते हैं आप बिलीव नहीं करोगे वो मैजिक जैसा काम करता है क्योंकि जब उनको पता चलता है अरे वो तो स्टेज फोर कोलन कैंसर 100% सर्वाइवर जो अगर वो सर्वाइवर हो सकती है मेरा स्टेज फोर है मैं क्यों सर्वाइवर नहीं बन सकती वो जो हिम्मत नॉर्मल लाइफ लीड करती है रवीना वो हर जगह ट्रैवल करती है ऐसा स्पिरिट से दूसरों को मतलब ओपन अप वो करने से वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना वो मैजिकल जैसा है फिर नया नया चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो एनीवन अगर किसी को ट्रीटमेंट चल रहा है वो हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और मैं ऐड कर दूँगी अभी मैं लास्ट पार्ट एक बोलना चाहती हूँ प्रिवेंट कैसे करते हैं कैंसर प्रिवेंशन जैसे पोल्यूशन पेस्टिसाइड पानी में आर्सेनिक वो सब तो हम अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन स्मोकिंग सिगरेट ड्रिंकिंग कम करना ऐसा नहीं है कि डेली यूजुअली ठीक है फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पान सुपारी जर्दा टोबैको यू नो लाइक जर्दा तिरंगा रजनीगंधा फिर वो क्या बोलते हैं उसको गुटका वो सब लाइम चून चून जो होता है वो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं चून हाँ वो सब जो होता है ना वो इन नॉर्थ ईस्ट में अगर वो बंद कर दिया गया ना 50% कैंसर कम हो जाएगा मैं आपको बात मतलब सच में मैं बोल रही हूँ वो जो लोग इधर रख देते हैं ना इधर से हेड एंड नेक कैंसर तो होता ही है वो सर्कुलेशन में ब्लड में जाता है जाके कितने जगह पे स्टमक पे कोलन पे जहाँ जहाँ सॉफ्ट टिश्यूज है वहाँ पे जाके कैंसर हो जाता है तो आपकी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है सुपारी पान जब लोग आते हैं ना उनको और सुपारी पान जर्दा मत दीजिए वो कल्चर हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि उसी से कितना ज़्यादा कैंसर हो रहा है सिगरेट भी बंद और सबसे लास्ट बात स्ट्रेस एक्सरसाइज कीजिए और डाइट जैसे हल्दी टर्मरिक कच्चा हल्दी ला के अपने डाइट में कीजिए फिर जिंजर गार्लिक ये सब और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं एक्सरसाइज कीजिए स्ट्रेस भी बहुत एग्रवेट करता है कैंसर में तो ये सब लाइफस्टाइल में आप थोड़ा चेंज लाएंगे तो हम डेफिनेटली अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंशन कर सकते हैं तो इसलिए का प्रिय दर्शक आपने सुना कितना सुंदर से डॉक्टर लोपामुद्रा जी आप लोग को बताया एक सीरियस बात और हमारा भी भरोसा है जो हमारा जितना भी हिल्स लाइफ का दर्शक हो बा निवासों का वासी जो ये बहुत ही बेनिफिट होगा और उनका बात सुन के आप लोग भी बहुत आगे जाएगा और एक काम जो उन्होंने बोला है हम लोग जितना तक सकता हम लोग भी ये काम में आगे बढ़ेगा तो थैंक यू लोपामुद्रा जी आप आके हमारा निवासो बसी को बहुत अच्छा अच्छा बात सिखाया मेरा ऑनर्ड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे हाँ हम लोग का कोशिश जारी रहेगा इनका साथ हम लोग आगे भी ऐसा बातचीत हम लोग सुनाएंगे और समस्या को लेके उन्होंने और काफ़ी बात आप लोगों को जनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू